गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल जय हिंद एवरीबडी कैसे हैं भाई सभी लोग जल्दी से आ जाइए सारे लिंक शेयर कर दीजिए जो लोग नहीं आए हैं अभी तक वंस अगेन देर वॉज अ टेक्निकल ग्लेच तो वी विल मेक श्योर कि एज सुन एज पॉसिबल इट विल बी सॉट आउट एंड थैंक यू फॉर वेटिंग आइज हाँ जी हाउ इज एवरीबडी गुड मॉर्निंग भाई माक योर प्रेजेंस इन दी कमेंट बॉक्स टाइप हिंद हाँ भाई रिवीजन भी चल रहा है ना साथ के साथ हिंद तोशी जय हिंद कीर्ति ठाकुर स्टूपेड अभिषेक सर का चेला है चेला चूला कुछ नहीं भाई सब ऑल यू आर गाइस आर स्टूडेंट्स है ना वो तो हंसी मजाक थोड़ी बहुत हो जाती है जय हिंद भाई नितेश यादव निशांत अनुराग शर्मा जय हिंद एवरीबडी हाँ जी शुरू करें चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कल जो सवाल पूछा गया था आपसे हु हैज बीन कन्फर्ड दी शेवेलियर डी ला लीजेंड डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो कि फ्रांस का फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये किसको मिला है हाँ जी विलेजर किंग नाम याद ना रखती भाई तुम रोज नाम चेंज करते रोज अपनी आईडी चेंज करते हो है ना मैं किस किस के नाम याद रखूंगा है ना इसका आंसर बताइए जल्दी से अब क्या हो गया <laughs> एक मिनट रुकना यार स्वाति पीरामल यस राइट आंसर स्वाति पीरामल कौन है कौन है ये जो पीरामल ग्रुप है पीरामल ग्रुप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरमैन पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरमैन है स्वाति पीरामल इनको दिया गया फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर का अवार्ड मिला है स्वाति पीरामल को ठीक है और फ्रांस से एज यूजुअल हमें पता है राफेल हमने रिसेंटली बाई किया है राफेल एयरक्राफ्ट जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट है इसके अलावा फ्रांस से जो हमने एयरक्राफ्ट्स लिए हैं कौन कौन से हैं मिराज 2000 मिराज 2000 जिससे हमने करी थी एयर स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करी थी मिराज टू से ठीक है बॉम्बिंग जो करी थी ठीक तो याद रखना फ्रांस फ्रांस की कैपिटल क्या है पेरिस पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड स्वाति पीरामल इज द आंसर ठीक है जी इट यार चलिए पहला क्वेश्चन आज का हु वन ब्रॉन्ज मेडल इन द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इन बेलग्रेड 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 क्या है सर्बिया की कैपिटल सर्बिया तो सर्बिया में चल रही है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ठीक है अभी ब्रॉन्ज जीता है इनमें से किसने हु वन ब्रॉन्ज मेडल अरे यार ये ऑप्शन थोड़े गड़बड़ा गए ठीक है ऑप्शन रुक जाओ ऑप्शन मैं करता हूं इसमें पहला ऑप्शन है रवि दहिया। रवि दहिया। दूसरा ऑप्शन है योगेश्वर दत्त योगेश्वर दत्त तीसरा ऑप्शन है बजरंग पुनिया और चौथा ऑप्शन है नन, बताइए जी ये क्वेश्चन वैसे एक बार मैं करा चुका हूं जिसमें हमने कराया था आपको क्या विनेश फोगाट विनेश फोगाट ने भी सिमिलर सेम चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था जिसमें मैंने आपको बताया था जो विनेश फोगाट हैं वो पहली भारतीय रेसलर बनी है जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड और एशियन गेम्स में भी क्या मेडल जीता है ठीक है और अभी रिसेंटली उन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि बेलग्रेड में हुई है उसमें ब्रॉन्ज जीता था ये वुमेन कैटेगरी में हो गई ब्रॉन्ज अब आपको बताना है इनमें से किसने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है ठीक है जल्दी से बताइए भाई आंसर हाँ जी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया यस ठीक है तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया ने जीता है यह बजरंग पुनिया सर में चोट लगने के बावजूद द हिंदू का यह आर्टिकल है बजरंग डिड नॉट लेट अ हेड इंजरी डिट्रैक्ट हिम फ्रॉम स्नेरिंग ब्रॉन्ज मेडल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की सर में चोट लगने के बावजूद भी सर की चोट भी उनको नहीं रोक पाई ब्रॉन्ज मेडल जीतने से बजरंग पुनिया को तो इन्होंने क्या जीता है ब्रांज मेडल जीता है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में ठीक है अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में किस वेट कैटेगरी में खेलते हैं दोनों वेट कैटेगरी किस वेट कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीता है तो दोनों का याद रखना विनेश फोगाट विनेश फोगाट ने 53 थ्री कैटेगरी में यह मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको और बजरंग पुनिया जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं बजरंग पुनिया इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 65 किलोग्राम की कैटेगरी में भाई वेट कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है वेट कैटेगरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसको याद रखिएगा विनेश फोगाट 53 थ्री के कैटेगरी और बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम कैटेगरी ठीक है कल कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये डिटेल्स लिखवाने के बाद थोड़ा स्पेस दे दिया करूं बोर्ड में ठीक है थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो अब आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीन ले सकते हैं ठीक है जी तो ये हुई है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कहां पर सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में दो मेडल आए हैं विनेश फोगाट ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल विनेश फोगाट 53 किलोग्राम कैटेगरी बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम कैटेगरी ठीक है जी इट <coughs> क्लियर <Got it? coughs> है भाई सबको चलिए अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोर्टी गोल्डन ग्लव ऑफ वॉजवोदीना यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट वॉजवोदीना यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से बताइए कौन सा जो कथन है वो सही है पहला है इट वॉज हेल्ड इन सर्बिया ये सर्बिया में हुआ टूर्नामेंट दूसरा है इंडिया क्लिंस्ड टेन गोल्ड मेडल्स इन इट कि दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने इस चैंपियनशिप में इस टूर्नामेंट में दस स्वर्ण पदक जीते हैं हां जी जल्दी से बताइए वोज डीना यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट हां जी बताएंगे चेला नहीं, चेली होगा हाँ जी जल्दी से आंसर क्या चेला चेला कर रहे हो यार भाई सब स्टूडेंट्स हैं कोई चेला चूला नहीं है है ना तो ऐसे नहीं करना आज आया नहीं वैसे हैं हाँ भाई स्टूपिड है आया है क्या मार्क योर प्रेजेंस या आज गायब है आज आया है क्या अच्छा है अच्छा नाम बदल बदल के आ रहा है बार बार नाम चेंज कर करके आता है हाँ जी आंसर है इसका यस ये जो है सर्बिया अगेन फिर से आ गया बेलग्रेड फिर से आ गया सर्बिया तो ये भी सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है और सर्बिया में हुई है ये, यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते हैं इसमें इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते हैं इसमें और इंडिया की तरफ से जो बेस्ट बॉक्सर है बेस्ट बॉक्सर वो है रवीना।, रवीना रवीना 63 किलोग्राम कैटेगरी में बेस्ट बॉक्सर ओवरऑल वॉजोदीना यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट के अंदर बेस्ट बॉक्सर ओवरऑल में है रवीना इंडिया से 63 किलोग्राम कैटेगरी में ये टूर्नामेंट कहा हुआ सर्बिया में तो इंडिया के लिए ओवरऑल मेडल पूछे जाएं तो 19 मेडल जीते इंडिया ने और 19 में से 10 क्या थे गोल्ड मेडल थे ठीक है तो दोनों ऑप्शन सही हो गए तो आंसर हो गया आपका बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर ये न्यूज का आर्टिकल है अभी आऊंगा वापस उस पर इसमें देख लीजिए एक बार इंडिया यूथ बॉक्सर बैग टेन गोल्ड मेडल्स ऑन द फाइनल डे टू कंक्लूड अ सक्सेसफुल कैंपेन विद 19 पोडियम फिनिशेस यानी कि टोटल टोटल जो मेडल जीते हैं 19 जीते हैं ये थोड़े नाम याद रख लेना क्या है सारे इंपॉर्टेंट नहीं है रवीना जो बताया बेस्ट बॉक्सर इंडिया की तरफ से बाकी क्या क्वेश्चन आते हैं एफकेट वगैरह में आ जाते हैं कभी कभी सी में कि प्लेयर का नाम दे, दे देंगे आपको और उसमें मैंशन करेंगे कि दिस प्लेयर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स ठीक है तो याद रखना भावना शर्मा 48 किलोग्राम कैटेगरी देविका घोरपड़े पड़े फिफ्टी टू किलोग्राम कैटेगरी कुंजरानी देवी सिक्सटी रवीना सिक्सटी थ्री किलोग्राम कैटेगरी तो ये बेस्ट बॉक्सर हैं दैट इज द रीजन ये मैंने मार्क कराया है कीर्ति प्लस एट्टी वन किलोग्राम फिनिश टॉप ऑफ द पोडियम एज ऑल ट्वेल्व पार्टिसिपेटिंग बॉक्सर रिटर्न ठीक है जी तो टोटल इंडिया ने जीते हैं इसमें दस गोल्ड मेडल और टोटल ओवरऑल मेडल जीते हैं उन्नीस ठीक है जी वोजोदीना यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट ठीक है भाई और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज सेशन को लाइक कर दीजिए जो भी लोग ऑनलाइन हैं है ना अगर वॉच कर रहे हैं तो एक सेकेंड लगेगा लाइक कर दीजिए सेशन को और अपने जो फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने ग्रुप्स में इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर कर दिया करो ठीक है ताकि मुझे भी साथ के साथ मोटिवेशन मिलता रहे मुझे भी ना लगे कि दो तीन घंटे जो रात रात जाग भर जाग कर ये पी वगैरह अखबार पढ़ रहा हूँ ये वेस्ट नहीं जा रहा ठीक है डन चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है जस्ट एक न्यूज है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी सबको पता होगा 96 सिक्स ईयर की एज में हुई है ना इसमें क्यों है ये इसमें एक चीज याद रखना ये पूछ सकते हैं कि लास्ट राइट कहां पर हुआ ठीक है कुछ पता नहीं है एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाए तो मैंने क्वेश्चन नहीं दिया बस ये फोटो दिखा दी आपको ये नाम याद रखना विंडसर कासल दो चीजें याद रखनी है एक नाम है विंडसर कासल विंडसर कासल और ये विंडसर कासल कहां पर है ये है वेस्टमिंस्टर में वेस्ट मिंस्टर वेस्टमिस्टर जगह का नाम है जहां पर इनकी पार्लियामेंट है जहां पर इनकी पार्लियामेंट है यूके की दैट इज द रीजन इंडियन पार्लियामेंट को भी वेस्टमिस्टर मॉडल पे बेस बोला जाता है क्योंकि वेस्ट मिनिस्टर में क्या है पार्लियामेंट है यूनाइटेड किंगडम की तो वेस्टमिंस्टर में जगह है विंडसर कासल तो वहां पर जो है क्वीन एलिजाबेथ का लास्ट राइट right हुआ बस इतनी चीज़ याद रखनी है इसमें ठीक है जी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है आज के इसमें सेशन में ठीक है तो थोड़ा चीज़ें समझना क्योंकि वन लाइनर थोड़े ज़्यादा हैं आज ठीक तो ये लिखा है अखबार में फाइनल फेयरवेल द हियर्स विद द कॉफिन ऑफ क्वीन एलिजाबैथ सेकेंड अराइव एट विंडसर कासल कि कहाँ आया विंडसर कासल में लास्ट राइट right के लिए आया और ये इमेज है इसमें ये ले जा रहे हैं इसको ठीक है जी बढ़े भाई आगे <coughs> चलिए अगला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद रखना आ सकता है एग्जाम में आपके ठीक है क्या है इंडिया फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट भारत का पहला भारत की पहली लिथियम सेल फैक्ट्री कहां पर बनाई गई हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटीज कहां पर इनोग्रेशन किया गया है इंडिया की पहली लिथियम सेल फैक्ट्री का ऑप्शन आर इंदौर नोएडा गांधीनगर या तिरुपति जल्दी से आंसर दीजिए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए हाँ <laughs> जी ऑप्शन बी राजेश कुमार हां भाई डेली करंट अफेयर्स की क्लास है एनडीए सीडीएस एंड एफ कैट एस्पेश फॉर दैम ठीक है नेक्स्ट सिक्स मंथ्स इसमें हम कवर करेंगे फ्रॉम सेप्टेंबर टू फेब्रवरी और मार्च फर्स्ट वीक ठीक है जी तो ऑप्शन बी नहीं है जी इसका आंसर है तिरुपति आंसर इज तिरुपति कहां पर है तिरुपति टेंपल स्टेट है कहां पर आंध्र प्रदेश तिरुपति का मंदिर आपने सुना होगा कहां पर है आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश में बनने जा रही है तिरुपति में इंडिया की पहली लीथियम सेल फैक्ट्री पहले जो इंडिया इंपोर्ट करता है ये लिथियम सेल होती हैं लिथियम सेल जो होती हैं इनको हम इंपोर्ट करते हैं कहां से चाइना वियतनाम चाइना वियतनाम और हांगकांग से करते हैं ठीक है तो अब ये इंपोर्ट ना करनी पड़े इसलिए पहला प्लांट पहली फैक्ट्री जो है लग चुकी है कहां पर तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर ठीक है जिसके अंदर आपकी बीस हजार सेल पर डे मैन्युफैक्चर होंगी बीस हजार सेल पर डे मैन्युफैक्चर होंगी बनेंगी कहां पर तिरुपति में जो प्लांट बनाया गया है फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री के लिए ठीक है जी याद रखना और आंध्र प्रदेश के सीएम अगर पूछे जाएं तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी वाई एस जगन मोहन रेड्डी इज द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश ठीक है और विश्वभूषण हरिचंदन विश्वभूषण हरिचंदन अच्छा नाम है विश्वभूषण हरिचंदन द गवर्नर ऑफ स्टेट इज द गवर्नर ऑफ स्टेट ठीक है जी आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या क्या है अमरावती विशाखापट्टनमूर ठीक है जी याद रखना अमरावती भी कैपिटल है विशाखापट्टनम भी कैपिटल है कुन्नूर भी कैपिटल है आंध्र प्रदेश की ठीक है गवर्नर है विश्व भूषण चंद हरिचंदन वाई एस जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर तो इंडिया की पहली लगी है लिथियम आयन सेल फैक्ट्री तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर जिसमें बीस हजार सेल पर डे मैन्युफैक्चर की जाएंगी ये बीस हजार वाला चीजें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आया तो यही चीजें आएंगी उसके अंदर ठीक है तो इसलिए याद रखना है ये ठीक <laughs> है भाई बढ़े भाई आगे नेक्स्ट चलें <laughs> चलिए ये है बिजनेस लाइन द हिंदू का अखबार मुनूथ इंडस्ट्री ये भी याद रख लेना मुनूथ इंडस्ट्री टू कमीशन इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री इन आंध्र प्रदेश ठीक है इंडस्ट्री का नाम अगर पूछ ले तो भाई इसको भी नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में क्या नाम है मुनूथ इंडस्ट्रीज ठीक है जी मुनूथ इंडस्ट्रीज ने लगाया है ये लगाने जा रही है ये पहला आयन सेल फैक्ट्री लिथियम आयन सेल फैक्ट्री कहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर ठीक चलिए अगला क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दौलताबाद फोर्ट दौलताबाद रिसेंटली इन न्यूज अभी हाल ही में दौलताबाद न्यूज में था इसके बारे में आपको बताना है निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है पहला इट इज लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र कि यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है दूसरा महाराष्ट्र टूरिज्म मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू रिनेम इट टू देवगिरी महाराष्ट्र के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसका नाम दौलताबाद से देवगिरी करने का फैसला लिया है ठीक है तीसरा कथन है द सिटी वॉज इनिशियली बिल्ट बाय मोहम्मद बिन तुगलक कि ये जो सिटी है ये जो शहर है ये इनिशियली स्टार्ट में बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बताइए भाई कौन सा ऑप्शन निम्नलिखित गिधेय कथनों में से सही है हां जी ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट एनीथिंग एल्स और कोई जिसका कुछ अलग आंसर हो हाँ जी और कोई जिसका कोई अलग आंसर हो ऑल आर करेक्ट नहीं जी ऑल आर नॉट करेक्ट ऑल आर नॉट करेक्ट ये देखिए महाराष्ट्र दौलताबाद फोर्ट टू बी नोन एज देवगिरी फोर्ट तो एक चीज तो ये आ गई यहां से अखबार में से कि भाई दौलताबाद फोर्ट का कहां पर है महाराष्ट्र में तो ये भी सही है कि महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ही ये डिसीजन लिया होगा निर्णय लिया गया हुआ होगा पर इसमें क्या है दौलताबाद फोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया देवगिरी तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया बट अगर यहां पे आप पढ़ेंगे तो दौलताबाद फोर्ट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कहां पर है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है यहां पे क्या लिखा हुआ है पुणे यहां पर लिखा हुआ है पुणे में तो ये भाई पुणे में नहीं है ये कहां पर है ये है औरंगाबाद के अंदर औरंगाबाद के अंदर है आपका दौलताबाद फोर्ट जिसका नाम बदलकर कर दिया है देवगिरी फोर्ट तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत महाराष्ट्र टूरिज्म मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू रिनेम इट देवगिरी यह बात बिल्कुल सही हो गई कि दौलताबाद फोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया देवगिरी कर दिया तीसरा सिटी वॉज इनिशियली बिल्ट बाई मोहम्मद बिन तुगलक गलत है गलत है क्यों ये सिटी जो बिल्ड की गई थी यह यादव किंगडम के द्वारा की गई थी यादवाज यादवाज किंगडम के द्वारा की गई थी फिर जब मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासन आया उसने अनेक्स किया इंडिया में ऑलमोस्ट पूरा नदर इंडिया तो उस टाइम पे इस फोर्ट पे अटैक किया इस फोर्ट को लूटा ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक ने और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये दौलताबाद जो नाम है ना ये किसने रखा था ये नाम रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने ठीक है जी दिल्ली सल्तनत के राजा या एम्पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इस फोर्ट का नाम देवगिरी से बदलकर दौलताबाद कर दिया था ठीक है जो यादवाद किंगडम के द्वारा बनाया गया था पहली बार इनिशियल स्टेज में अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोबारा डिसीजन लिया है कि औरंगाबाद के इस दौलताबाद फोर्ट को नाम बदलकर कर दिया जाएगा देवगिरी ठीक है भाई तो आंसर क्या हुआ आंसर हुआ ओनली टू इज करेक्ट ओनली टू इज करेक्ट ऑप्शन वन एंड ऑप्शन थ्री हो गए आपके गलत ठीक है जी क्लियर है भाई क्लियर है ये फोर्ट है ये इमेज आपके सामने अगेन ये न्यूज़पेपर है डेक्कन हराल्ड उसकी न्यूज है ठीक है क्लियर है सभी के <laughs> योगी आदित्यनाथ पहुंच गए नहीं भाई योगी आदित्यनाथ नहीं है शिवसेना का काम है शिवसेना शिवसेना का काफी का ज्यादा मतलब होल्ड है वहाँ पर है ना काफी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं शिवसेना को ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है अगेन ये न्यूज है ठीक है इसमें कुछ क्वेश्चन बनता भी नहीं था बस ये है देखो इसमें दो फोटो दिख रही होंगी आपको एक पर्सनालिटी ये है एक पर्सनैलिटी क्लियर दिख रहे हैं तो इनके नाम बताइए जल्दी से अगर क्लियर दिख रहे हैं तो इन दोनों के नाम बताइए जल्दी से कि क्या नाम है इनके पूरा डिटेल में बताना है कि ये लेफ्ट में कौन है राइट right में कौन है <coughs> हाँ जी बताएंगे भाई जल्दी से अभिनंदन अबे थोड़ा इज्जत से बात कर ले अभिनंदन तेरा भाई है ना सगा छोटा भाई अभिनंदन कौन है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान पूरा नाम लिया करो आदत डाल लो अभी से एसएसबी में इंटरव्यू में बैठे उसने पूछा चीफ कौन है है ना चीफ कौन है सर वीआर चौधरी <laughs> है ना पूछेगा हु इज द एयर एयर एयरफोर्स चीफ कौन है तो आप बोलना वी आर चौधरी है ना और वो इतना क्लस जाएगा उस चीज से है ना इसी बात पे हो सकता है तुम्हारी वो इतना प्रेशर डाल दे है ना इंटरव्यू खराब हो जाएगा तो ऐसे काम जो है करना मत यादत डाल लो ठीक है अभिनंदन सर और जिस भी पर्सनालिटी का जिस भी पर्सनैल का जिस भी ऑफिसर का नाम लेते हैं पूछते हैं उनको नाम लेते हैं विद रैंक ठीक है तो वी आर चौधरी बोलने से पहले क्या बोलेंगे एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ठीक है जी ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान इस तरह से नाम लिया जाता है एस के अंदर जब भी पूछेंगे हु इज द आर्मी चीफ आर्मी चीफ पूछेंगे तो जनरल जनरल लगा के नाम बताओ जल्दी से क्या है आर्मी चीफ अभी कराया था सारे कराए थे आर्मी नेवी एयरफोर्स तारे चीफ कराए हुए हैं पांडे जी बताइए जल्दी से जल्दी से बताओ पांडे जी का पूरा नाम <laughs> हां जी हाँ जनरल मनोज पांडे ठीक है तो ऐसे पूरा रैंक के साथ नाम लेते हैं ठीक है टोक देते हैं वरना वो टोकेंगे तो फिर से वही कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा और थोड़ा इज्जत करा करो ये हैं ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान ठीक है मिग ट्वेंटी वन से ही इन्होंने क्या उड़ाया एफ सिक्सटीन उड़ा दिया था मिग ट्वेंटी वन से ठीक है उस टाइम पे ग्रुप विंग कमांडर थे विंग कमांडर अच्छा मेरा क्वेश्चन है एस एस बी में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो एयरफोर्स के अंदर विंग कमांडर है वो आर्मी में किस रैंक के इक्वेलेंट होता है बताओ भाई जल्दी से एयरफोर्स में विंग कमांडर आर्मी में किस रैंक के इक्वेलेंट होता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सुन लो कैसे पूछते हैं लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक की सारी रैंक पूछ लेगा ठीक है कि ओके नाउ जेंटलमैन टेल मी रैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी फ्रॉम लेफ्टिनेंट टू जनरल इन दी इन दिस ऑर्डर एसेंडिंग ऑर्डर में बताओ ठीक है तो ये चीज जो है याद रखना बताओ भाई विंग कमांडर इज इक्वेल टू कैप्टन बोल रहा है वो कैप्टन <laughs> कैडेट माधव सिंह भाई कैप्टन तो दूसरी रैंक होती है लेफ्टिनेंट आएगा फिर कैप्टन आएगा कैप्टन के बाद मेजर आएगा मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल ठीक है और विंग कमांडर जो एयरफोर्स में है वो इक्वेलेंट होते हैं आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के लेफ्टिनेंट कर्नल के इक्वेलेंट होते हैं ठीक है एक और क्वेश्चन मेरा एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड बताओ आर्मी में जो कर्नल होता है आर्मी में जो कर्नल होता है या फिर एयर फोर्स में जो ग्रुप कैप्टन होता है वो इक्वेलेंट है मतलब आर्मी के कर्नल और एयर फोर्स के ग्रुप कैप्टन ये इक्वेलेंट है अब मुझे ये बताओ कि नेवी में क्या रैंक होती है इनके इक्वेलेंट दोनों के इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा ना यकीन हो तो जो अभी रिसेंट में हाल फिलहाल में गया हो एसएसबी उससे पूछ लेना कि पूछते या नहीं पूछते ठीक है सब पढ़ना है भाई सब है ना मेरी भी एसएसबी आ गई है ठीक अगले महीने मेरी एसएसबी है अक्टूबर में तो आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी डेट है ठीक है तो कुछ दिन की छुट्टी रहेगी एसएसबी है मेरा भोपाल में है ना कमांडर कमांडर नहीं होता भाई कर्नल आर्मी एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन नेवी में इक्वेलेंट होते हैं कैप्टन नेवी में इक्वेलेंट होता है कैप्टन देखो आर्मी में कैप्टन होती है दूसरी रैंक लेफ्टिनेंट के तुरंत बाद नेवी में कैप्टन होता है भाई तुम्हारा कर्नल के इक्वेलेंट तो ये याद रखना चीजें तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की सारी रैंक याद होनी चाहिए ठीक है सारी रैंक याद होनी चाहिए नेवी में अगर बात करें सब लेफ्टिनेंट 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 कमांडर कमांडर इस तरह से सारी रैंक्स याद होनी चाहिए घुमा फिरा के पूछते हैं वो ठीक है भाई <laughs> थैंक यू भाई थैंक यू तो ये है तुम्हारे फॉर्मर चीफ ऑफ एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल बी एस धनोवा तो बी एस धनोवा जो हैं ये जब रिटायर हुए थे तो इन्होंने अपनी लास्ट सोटी लास्ट सोटी मतलब जो लास्ट फ्लाइट थी वो करी थी इसमें मिग ट्वेंटी वन में तो यही मिग ट्वेंटी वन अब रिटायर होने वाली है सितंबर एंड तक इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे डी कमीशन कर देंगे बेसिकली तेजस वगैरह या कोई अन्य फाइटर जो हमें अभी चल रही है बातें यूएस के साथ वो आने वाले हैं वो इंडक्ट कर दिए जाएंगे इसकी जगह पर ठीक है तो याद रखना चलिए वन लाइनर्स कुछ क्वेश्चन है ई एन सी यॉचिंग चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन बताइए भाई ई एन सी चैंपियनशिप कहां पर हुई याच क्या होती है वही नाव टाइप होती है ना जो उसमें ऐसे कपड़ा सा लगा होता है दिखाऊंगा अभी क्या होती है योच देखा होगा स्कूल टाइम में पांचवी छठी क्लास में आती है वाई फॉर योच एबीसीडी जब पढ़ते हैं <laughs> सर आपने कुछ दिन पहले किसका एग्जाम दिया था वो एग्जाम था भाई एस एस सी का टायर थ्री टायर वन टायर टू टायर थ्री तीन पेपर होते हैं एस एस सी सीजीएल में तो वो बनारस में देके आया था टायर थ्री <laughs> आस्था मिश्रा ईएनसी यही तो खेल है अगर मैंने यहां पर ईएनसी बता दिया ना एक्सपेंड करके तो आंसर बता देंगे सारे है ना यही तो सारी बात है इसमें बताओ ये चैंपियनशिप कहां हुई विशाखापट्टनम, गोवा चेन्नई या कोलकाता चेन्नई नहीं भाई अब मैं बता रहा हूं देखो अब आंसर बता देंगे सारे अब आंसर सारे बता देंगे ईएनसी की फुल फॉर्म है ईस्टर्न नेवल कमांड ईस्टर्न नेवल कमांड अब बताओ कहां हुई होगी अब बताओ कहां हुई होगी ऑप्शन नंबर ए यस अब आ गया सबको समझ में विशाखापट्टनम ठीक है भाई तो ईस्टर्न नेवल कमांड योचिंग चैंपियनशिप हुई कहां पर विशाखापटनम के अंदर ठीक है इट जल्दी से कमेंट भाई कमेंट कर दिया करो कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बता दिया करो जल्दी से ताकि मैं उसको दोबारा से बता पाऊं अदरवाइज छूट जाएगा कोई फायदा नहीं होगा उसका ठीक है डन सारी रैंक याद है लेकिन ये कैसे पता लगेगा कौन किसके इक्वल है भाई तीनों रैंक को इक्वल लिखना पड़ेगा एक चार्ट बनाना पड़ेगा ठीक है कि जैसे मान लो ये हो गया आर्मी ये हो गया एयरफोर्स ये हो गई नेवी ये एक चार्ट बनाना पड़ेगा इस तरह से कि भाई आर्मी में हो गया लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट एयरफोर्स में होते हैं तुम्हारे फ्लाइंग ऑफिसर इक्वेलेंट फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी में होते हैं सब लेफ्टिनेंट सब लेफ्टिनेंट तो जब इस तरह से लिखोगे ठीक है फिर यहां पे आ जाएगा कैप्टन यहां पे आ जाएगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट यहां पे आ जाएगा लेफ्टिनेंट तो इस तरह से याद रहेंगी इक्वेलेंट ये चार्ट बनाना पड़ेगा अगर एसएसबी के लिए जाना है ठीक है पूछेगा ये श्योर है पूछते हैं रैंक फ्रेशर से ज्यादा पूछते हैं मुझसे भी जब मैं पहली बार गया था एस एस बी गांधीनगर फ्रेशर एज ए फ्रेशर तभी पूछा था उसके बाद कभी नहीं पूछी रैंक वगैरह है ना तो याद रखना ये सब चीजें देखिए ये है फोटो ये इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है ठीक है ये जो पिक्चर है इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है ठीक क्या है ई एन सी चैंपियनशिप कंडक्टेड एट विशाखापट्टनम विशाखा पटनम के अंदर हुई है इसमें जो याद रखना है आपको इसमें जीता कौन एशर बी एश और बी ठीक है ये जीता ये देखो योच है इनमें से एक योच का नाम है एशोर बी तो वो जो है ओवरऑल विनर रहा इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर योच एश और बी ठीक है वन लाइनर है बेसिकली बस याद रखना है ईस्टर्न नेवल कमांड की योचिंग चैंपियनशिप हुई है विशाखापट्टनम के अंदर आंध्र प्रदेश की कैपिटल के अंदर और ए और बी इसमें ओवरऑल विनर रहा है ठीक <coughs> है बस दैट्स इट चलिए अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन काश्मीर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों इंपॉर्टेंट है भाई 1990 के बाद 1990 के बाद पहली बार कश्मीर में जम्मू कश्मीर में थिएटर चलेगा मूवी के लिए थिएटर ओपन होगा पहली बार जम्मू कश्मीर में उन्नीस के बाद तो ऑलमोस्ट तीस से बत्तीस साल के बाद थिएटर ओपन होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में तो आपको यही बताना है कि वो कश्मीर ये टुडे क्यों है कल की न्यूज है ये ठीक है कल की न्यूज है तो आपको ये बताना है कि कश्मीर में किस जगह थिएटर ओपन होगा आइनॉक्स सिनेमा का ये थिएटर होगा ठीक है जी श्रीनगर बारामूला कारगिल या जम्मू हाँ जी बताइए <coughs> कहाँ पर होगा श्रीनगर यस वेरी नाइस तो श्रीनगर में स्टार्ट होने जा रहा है इंडिया मतलब कश्मीर का मल्टीप्लेक्स कश्मीर के अंदर ठीक है और ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि भाई उन्नीस के बाद स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो याद रखना ठीक एक और क्वेश्चन में पूछना चाह रहा हूं क्योंकि यार दो तीन बार मैं रिपीट करा चुका हूं आई गेस दो तीन से भी ज्यादा बार रिपीट करा चुका हूं ठीक है आपको बताना है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के जे एंड के, के लेफ्टिनेंट गवर्नर जल्दी से आर 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 मूवी नहीं भाई पहली बार जो मूवी लगी है उसमें वो लगी है चड्ढा चड्ढा कौन सी है वो आमिर खान की मूवी है ना आमिर खान की मूवी जल्दी बताओ लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की मूवी है लाल सिंह चड्ढा तो पहली बार वो लगेगी उसमें ठीक है मनोज पांडे अबे मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है सीओ मनोज पांडे बात कर रहा हूं मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है यूनियन टेरिटरी है ना तो यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो पूछा है मैंने वो जनरल का नाम ले रहा है मनोज सिन्हा यस तो मनोज पांडे और मनोज सिन्हा दोनों को मिक्स कर दिया उसने कि एक ही चेप देता हूं सारे में ठीक है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर है कौन मनोज सिन्हा जी मिस्टर मनोज सिन्हा इज द एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन्होंने ही इनोग्रेशन किया है इस मल्टीप्लेक्स का श्रीनगर के अंदर श्रीनगर के अंदर ठीक है जी तो याद रखिएगा दो नेशनल पार्क बड़े इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के जिसमें से एक है दचीगम, दचीगम नेशनल पार्क और एक है भाई वेरी इंपॉर्टेंट सलीम अली सलीम अली नेशनल पार्क ठीक है तो ये दो लिख लेना दचीगम, दचीगम और सलीम अली ठीक है तो दो नेशनल पार्क हैं ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और <coughs> एडमिनिस्ट्रेटर बताई दिया मिस्टर मनोज सिन्हा ठीक है भाई चलिए तो ये है थिएटर आइनोक्स सिनेमा बनने गया श्रीनगर के अंदर बन गया ये ठीक है आफ्टर 1990 ठीक चलिए अगला क्वेश्चन व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चीता व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चीता बताइए भाई चीता का साइंटिफिक नेम क्या है मेरा फर्स्ट सीट हां बिल्कुल बिल्कुल जाओ फर्स्ट सीट है ना एनडीए क्लियर करो एसएसबी क्लियर करो उसके बाद एनडीए जाओगे चार साल के बाद ऑफिसर बनोगे लेफ्टिनेंट बनके भाई कश्मीर में जाए पहली पोस्टिंग है ना फिर फर्स्ट शो फर्स्ट सीट आगे वाली सबसे पहली वाली है ना टी <laughs> देखो पहली बात तो ये मैंने पूछा क्यों है ठीक मैंने बताया था करंट अफेयर से लेट करके काफी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो ये क्यों पूछा गया है बताया था कूनो पालपुर नेशनल पार्क बताओ भाई कहां पर है आगे बढ़ेंगे फिर पहले ये क्लियर करते चले पता चलेगा कौन कौन रिवाइज कर रहा है कौन कौन रिवाइज नहीं कर रहा है कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहां पर है ये बताना है एमपी <laughs> क्यों इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्यों है भाई ये एमपी वेरी गुड मध्य प्रदेश के अंदर नया नेशनल पार्क बनाया गया है कूनो पालपुल नेशनल पार्क बताया था आठ चीता आठ चीता लाए गए हैं आठ चीता लाए गए हैं कहाँ से नामीबिया साउथ अफ्रीका नामीबिया और साउथ अफ्रीका एक बात ध्यान रख लेना कूनो नेशनल पार्क कूनो नेशनल पार्क ये कूनो पालपुर नेशनल पार्क आठ चीता और इंडिया का पहला इंडिया का पहला चीता रिहैबिलिटेशन सेंटर इंडिया का पहला चीता रिहैबिलिटेशन सेंटर कहां पर सेम कूनो नेशनल कूनो पालपुर नेशनल पार्क के अंदर जो मध्य प्रदेश में है जहां पर रिसेंटली आठ चीता लाए गए हैं नामीबिया साउथ अफ्रीका के अंदर और साइंटिफिक नेम है चीता का एसी नॉक्स जुबातुस एसी नॉनिक्स एसी नॉन एक्स जुबातुस ये गारंटी है मेरी अगले वाले एनडीए में क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा क्योंकि इस न्यूज का जितना हवा बन चुका है ना इस टाइम मतलब हवा इन सेंस जितनी बड़ी न्यूज हो चुकी है भाई चीता को माला बनाई जा रही है हो सकता है कि चीता अभी बीजेपी भी ज्वाइन कर ले दो चार दिन में है ना तो ये मान के चलना 99% के ये है इसका बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक नेम किसका चीता का कूनो पालपुर नेशनल पार्क नया नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर नामीबिया और साउथ अफ्रीका से आठ चीता लाए गए हैं इसमें और अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेशन किया है चीता रिहेबिलिटेशन सेंटर का इसी नेशनल पार्क के अंदर ठीक है? जो जो है, है टाइगर का साइंटिफिक लियो, लियो मतलब लायन यह लायन का साइंटिफिक नेम पैंथेरा पार्डस पार्डस यह है लेपर्ड का साइंटिफिक नेम तो चार चीजें और हो गई इसमें ये तीन चीजें ठीक कुछ भी चीज छूटे ना इसमें ठीक है जी चित्रा मैम आने आना चाहेंगी आपसे कुछ बात करना चाहेंगी ठीक <laughs> हेलो जय हिंद टू ऑल ये सही है इसमें कमेंट्स दिखते रहते होंगे आराम से ये सही है हाँ मैं भी यही करूंगी अच्छा आइडिया है हाँ भाई जय हिंद टू ऑल जय हिंद टू ऑल चलो भाई फटाफट से एक बार शेयरिंग हो जानी चाहिए और जैसा कि मैं सर की क्लासेस रेगुलरली देख रही थी नॉलेज तो अतः कूट कूट के सर दे रहे हैं एंड प्रॉपर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं डिफेंस एक्सप्रेस ये नहीं है कि फालतू करंट अफेयर्स के नाम पर करंट अफेयर्स तो बहुत कुछ होता है मतलब पूरा न्यूज़पेपर छाप दो और पता नहीं क्या क्या न्यूज बताते रहो लेकिन टू द पॉइंट जो आपके यूपीएससी में आने वाली है एग्जाम वो ये है न्यूज और जैसा कि अभी देख लो एक क्वेश्चन है एंड उसके साथ में आपकी एक्स्ट्रा तीन इन्फॉर्मेशन हो गई हैं तो बस मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा आज सर मेहनत कर रहे हैं आप मेहनत कर रहे हो सब दबाकर मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट देखना चाहिए और वो रिजल्ट आपके लाइक्स लाइक्स आपके कम रहते हैं आपके लाइक्स से होना कुछ नहीं है कि पैसे आने या आना है कुछ नहीं आना बट जो बंदा यहाँ खड़े होके पढ़ा रहा है या मैं पढ़ा रही हूँ आपके लाइक से मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है कि हाँ हमें बच्चा इतना पसंद कर रहा है हमारा भी मन करता है आपके लिए और काम किया जाए ठीक है दिन बढ़िया जाएगा बिल्कुल दिन बढ़िया जाएगा स्टूपेट अभिषेक सर का चेला <laughs> <याल। laughs> कौन <नहीं>? है आपका चेला हाँ <laughs> मैं वही देख रही हूँ स्टूपेट सर का चेला चलो चलो कोई नहीं बहुत अच्छा तो बच्चे ऐसे ही अपनी न्यूज एक रजिस्टर एक कॉपी एक कुछ भी डेरी मेंटेन कर लेना हालांकि इसकी पीडीएफ सर देंगे आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल लिंक में है उसको कर सकते हो अपना ऐप अप है फतेह कर वहाँ पर ये पी आपको मिलेंगी प्रॉपर इसी तरीके से तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हो लेकिन ये कलेक्शन बना लेना अप्रैल में आपका होगा, आप चाहे NDA वाले चाहे वाले बंदी फील कर सकती है जिसने वो एग्जाम्स दिए हैं और एक दो तो एग्जाम्स नहीं उसी कैटेगरी के बहुत सारे एग्जाम वो एक आर्ट वो एक कला आती है कि न्यूज़पेपर पढ़ा उसमें से हाँ इस लाइन में वो क्वेश्चन उठ सकता है ठीक है ना तो थोड़ा लाइक आप कर दिया करो पहले से ही चलो भाई बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आज से तो इंग्लिश की भी है सर है ना आज से इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी मैथ्स कल से स्टार्ट कर ही चुके हैं जीएस भी है ना तो आज से या कल से आपकी बाकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर चलो भाई ओवर टू सर तो हाँ वो रजिस्टर बनवा दिया मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो थोड़ा वो ज़्यादा समझ में आएगा छोट भी हो जाएगा थोड़ा ठीक <laughs> है जी समझ में आया लाइक कर दिया करो सेशन को ठीक बार बार मत कवाया करो चलिए तो ये क्लियर है सेंड इसमें से कुछ लिखना है हां भाई ये क्वेश्चन क्लियर भाई ये क्वेश्चन क्लियर शैलेश शर्मा चोट अरे यार वो बताया था ना लैंडस्लाइड हो गई यार ऊपर ही <laughs> है ना ए एफ जी डी में क्या होता है एयरफोर्स जी डी में क्या होता है जी डी होती है <laughs> भाई एयरफो जीडी में जीडी होती है ग्रुप डिस्कशन होता है एक टॉपिक दिया जाएगा उसमें जी डी कराएंगे <laughs> ये क्या सवाल था चलिए ये है मोदी जी की फोटो एक कैमरा कैमरे के नाम से बड़े फेमस है मोदी जी क्योंकि महात्मा गांधी का नहीं अटल मह, महात्मा महात्मा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ न्यूज थी तो मोदी जी ने बोला था उस टाइम पे मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को कैमरे से फोटो खींचकर मेल किया था और इत्तेफाक की बात यह थी कि उस टाइम पे भारत में ना तो ईमेल थी और ना भारत में कोई कैमरा था क्योंकि डिजिटल कैमरा तब तक आया नहीं था है ना तो ये फोटो है ये चीता लाया गया मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश में ही क्यों लाया गया क्योंकि इंडिया में एंशियंट टाइम्स में जो चीता मिलते थे वो मध्य प्रदेश के अंदर ही मिलते थे तो ये चेक किया जाएगा कि भाई यहां पर ये सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ठीक है ये है मोटा भाई अगेन न्यूज में आ गए पहले भी कराया था अगेन न्यूज में आ गए मोटा भाई ठीक है बताएंगे कोई कि क्या नाम है इस पर्सनैलिटी का और क्यों ये न्यूज में आए हैं एनीबडी हाँ चीता की याद आ रही थी एमपी को है ना एमपी का बेटा है चीता और एमपी को उसकी याद आ रही थी ठीक <laughs> है आडवाणी कैडिट माधव सिंह भाई आडवाणी नहीं है अडानी है <laughs> गौतम अडानी आडवाणी को तो मोदी जी नहीं पूछ रहे आडवाणी जी को तो मोदी जी नहीं पूछ रहे तुम क्यों पूछ रहे हो गौतम अडानी है पिक्चर में क्यों है अभी रिसेंटली सेकंड रिचेस्ट बन गए हैं। सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए ठीक है जी किसमें फोर्ब्स बिलेनियर इंडेक्स के अंदर वर्ल्ड के दूसरे सबसे रिचेस्ट आदमी अराउंड 240 परसेंट का बूस्ट है इनकी इकोनॉमी में जब से मोदी जी आए हैं लास्ट चार पांच साल में इनकी इकोनॉमी 240 परसेंट से ग्रो करी है इनकी जो नेटवर्थ है ठीक है अंबानी की बात करें तो अंबानी की तो है 9 से दस परसेंट के के वल, नो से दस परसेंट ग्रो करी है और गौतम अडानी जी की जो नेटवर्थ है वो ग्रो करी है 240 परसेंट से ठीक है तो थोड़ा सा याद रखना कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन की एफकेट में खासकर सी में पूछ लेते हैं ठीक है बस जरूरी नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि एनडीए में नहीं पूछेंगे तो कोई भी न्यूज छोड़नी नहीं है यह सोच के कि यह लेस इंपॉर्टेंट है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यूज बेफालतू की है वो इस स्लाइड में मिलेगी नहीं है ना जो फालतू की न्यूज है वो इस पीपीटी में मिलेगी नहीं आपको ठीक तो याद रखना गौतम अडानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन आपका सवाल एज यूजल जो पूछा जाता है हमेशा कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट दूर से नमस्ते ये दूर से नमस्ते क्या है इसके बारे में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है पहला इट इज फॉर द मैसेजेस ऑफ वैक्सीन प्रमोशन एंड कोविड नाइनटीन एप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक है कि ये एक मैसेज है ये एक संदेश है कोविड वैक्सीन के प्रमोशन के लिए और कोविड नाइनटीन में एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए सी ए बी जिसको बोला गया दूसरा है इट हैज रिसेंटली बीन लॉन्च बाय डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है दोनों कथन बताने हैं आपको कल जो आ, आंसर पूछा जाएगा आपसे इन फुल डिटेल जो जो डिपार्टमेंट जो जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है उनके चेयरमैन कौन है उनका हेडक्वार्टर कौन है कहां पर है और उनकी फॉर्मेशन कब हुई उन ऑर्गेनाइजेशन की वो सब आपसे पूछा जाएगा ये कैंपेन किसने लॉन्च किया कहां पर लॉन्च किया किस प्रोग्राम में लॉन्च किया ये सारे क्वेश्चन इन डिटेल में पूछूंगा जो बताएगा वेल एंड गुड आई विल अप्रिशिएट हिज एफर्ट अदरवाइज आई विल आंसर द क्वेश्चन तो इन फुल डिटेल्स आपको आंसर बताना है कल के क्लास में ठीक है एनी बडी एनी डाउट ग्राउंड ड्यूटी अच्छा ये पूछ रहे हैं आप चलो मैं बता देता हूं अभी देखो भाई एक मिनट हो गया <coughs> एक नई स्लाइड खोल लेते हैं इसमें फिर बताता हूं देखो जी होता क्या है एयर फोर्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं ठीक है पहले तो क्या होता था पहले अगर आप एनडीए क्लियर करते थे एनडीए में अगर आप एयर फोर्स चूज करते थे और आपकी एयर फोर्स की कट ऑफ क्लियर हो जाती थी तो बेसिकली एनडीए और सीडीएस दोनों में एकमात्र ऑप्शन था कि आप एयरफोर्स के अंदर केवल फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं केवल और केवल फ्लाइंग ब्रांच में आप जा सकते हैं थ्रू एनडीए और स्पेशली सीडीएस में सीडीएस में तो केवल एक ही ट्रेड थी दैट वाज़ फ्लाइंग ब्रांच ठीक है एयरफोर्स के अंदर ठीक बट अगर एफकेट की बात करें तो एफकेट के थ्रू शुरू से ही क्या होता जा रहा है दो चीजें होती हैं कि भाई एक तो हो गई आपकी फ्लाइंग ब्रांच इंग ब्रांच एक होती है ग्राउंड ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच अब इस ग्राउंड ड्यूटी में भी दो पार्ट होते हैं एक होती है टेक्निकल टेक्निकल ब्रांच एक होती है नॉन टेक्निकल ब्रांच एक होती है नॉन टेक्निकल ब्रांच ठीक है जी तो पहले एनडीए में क्या होता था केवल फ्राइंग ब्रांच के लिए कंसिडर करते थे अभी रिसेंटली क्या कर दिया उन्होंने कि अब फ्राइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल ब्रांच है उसमें भी एनडीए वाले ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती थी फ्लाइंग ब्रांच का जो मेडिकल होता है वो सबसे टफ होता है क्योंकि उसमें आपकी लेग की लेंथ देखी जाएगी दोनों पैर जो होते हैं उनकी लेंथ नपती है प्लस जो स्पाइन होती है स्पाइन की लेंथ नपती है पूरा फुल बॉडी का आपका एक्सरे होता है ये जो चेस्ट नॉर्मल जो वैकेंसीज होती हैं उनमें तो केवल चेस्ट का एक्सरे होता है फ्लाइंग के लिए चेस्ट और पूरी स्पाइन का एक्सरे होता है ठीक है प्लस जो आई साइट है वो भी सिक्स बाई सिक्स मैंशन होती है बट बियॉन्ड परफेक्शन वो जाके चेक करते हैं सिक्स बाई फोर तो जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेडिकल है इट इज द मोस्ट टिपिकल मेडिकल प्रोसेस इन एंटायर कंट्री ठीक है भाई कंट्री के अंदर तो होता क्या था कि जो लोग फ्लाइंग ब्रांच में मेडिकली अनफिट हो जाते थे वो एयरफोर्स चूज नहीं कर पाते थे वो आर्मी या नेवी में चले जाते थे ठीक है क्योंकि आर्मी में कंपेरेटिवली मेडिकल स्टैंडर्ड्स थोड़े कम है ठीक है इतने फ्लाइंग ब्रांच में चाहिए उतने नहीं चाहिए तो अभी इन्होंने क्या कर दिया कि अब NDA से आप Ground Duty ब्रांच में भी जा सकते हैं दो ट्रेड है इसमें, ब्रांच, ब्रांच, के अगर आप जा रहे हैं तो एफकेट के थ्रू टेक्निकल ब्रांच के लिए आपको बीटेक होनी आपके पास अनिवार्य है क्योंकि इसमें एफकेट के अलावा एक और एग्जाम एक 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 होगा जिसको बोलते हैं ईकेटी इसको बोलते हैं ईकेटी ठीक है जी इकेटी होता है उसमें आपकी जो ट्रेड है सिविल से है इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं कंप्यूटर साइंस से हैं ठीक है ठीके? वो बीटेक में आप ट्रेड डाल देंगे और एक कॉमन टेस्ट होगा ईके टी पचास नंबर का ये आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा दोनों से दोनों के नंबर आपको मतलब जो कट ऑफ आएगी ओवरऑल वो तो रिटर्न की आती है ई के की टेक्निकल वालों के लिए अलग से आती है कट ऑफ ठीक है और ये जो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है ये सभी के लिए है क्यों फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए या तो ग्रेजुएशन में BSC होनी चाहिए, ठीक है? 12th में साइंस साइड होनी चाहिए ठीक है Flying branch के लिए, ठीक? ड्यूटी में टेक्निकल आप, तो होनी चाहिए ट्वेल्थ के बाद एनडीए में अगर ऑप्ट करेंगे तो एनडीए में साइंस होनी चाहिए ये जो नॉन टेक्निकल ब्रांच है इसके लिए ग्रेजुएशन कोई भी हो सकती है ठीक है चाहे आपने बीए किया हो चाहे आपने बीकॉम किया हो चाहे आपने एम बी ए कुछ भी कर रखा हो कोई भी ग्रेजुएशन हो तो आप एयरफोर्स के अंदर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं ठीक है जी तो ये स्ट्रक्चर है इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइंग ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी में दो ब्रांच टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ठीक है जी तो दिस इज द प्रोसेस तो ये अभी नया कर दिया एनडीए में अब आप techn, uh, ये ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है गॉट इट <laughs> दक्ष वशिष्ठ आपके बाइसेप का साइज़ क्या है पढ़ ही लो करंट अफेयर ही देख लो है ना बाइसेप का साइज होगा शायद मेरे ख्याल से साढ़े सोलह है ना सिक्सटीन एंड हाफ होगा और जब एक्सरसाइज करता हूँ तो सत्रह हो जाता है सेवनटीन प्लस हो जाता है फिर ठीक चलो कल मिलेंगे सेम टाइम आठ से नौ ठीक तब तक के लिए जय हिंद प्रिपेयर हार्ट कीप रिवाइजिंग दिस करंट अफेयर्स एंड बेस्ट ऑफ लक